हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप देख रहे हैं कौस्तव दे, मेरा नाम है कौस्तव। तो आज का टॉपिक होने वाला है हाउ टू इंक्रीज योर टेस्टोस्टेरोन लेवल नेचुरली एट होम। तो वीडियो को पूरा देखना। आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप अपने घर में बैठ के आपके लाइफस्टाइल में और डाइट पे कुछ चेंजेस क्या ला सकते हो जिससे आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो नेचुरली इंक्रीज होगा। तो बने रहिए मेरे साथ। तो बॉडी बिल्डिंग का जो गेम है आपको पता ही है, वो होता है टेस्टोस्टेरोन के ऊपर। जो इसका बॉडी जितना अच्छा टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, जिसके बॉडी में जितना अच्छे से टेस्टोस्टेरोन तैयार होता है, उसके बॉडी में उतना अच्छा मसल मास होता है, उसका बॉडी उतना अच्छा होता है। तो आज हम इसी बारे में बात करेंगे कि आप घर में बैठ के कैसे आपके टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट अप कर सकते हो। कुछ ऐसे टिप्स से कि कुछ ऐसे लाइफस्टाइल चेंजेस से, कुछ ऐसे चीज़ों को ऐड करने से आपके डाइट में, आपके लाइफस्टाइल में, कि आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट अप हो सके। तो मेरा पहला पॉइंट ये है कि ऐड एम्पल अमाउंट ऑफ जिंक इन योर मील। जिंक कहाँ पे मिलेगा? ऑनियन एंड गार्लिक। क्यों? ऑनियन एंड गार्लिक पे एक प्लांट केमिकल रहता है जिसका नाम है फ्लेवोनॉइड्स। वो काम क्या करता है? फ्लेवोनॉइड्स का काम होता है आपको बेटर एंड मोर, मतलब ज़्यादा और अच्छा स्पर्म रिलीज करने में और आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करने में। फ्लेवोनॉइड्स करता क्या है? आपके जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस को जाके बोलता है कि तुम पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दो कि वो ज़्यादा से ज़्यादा FSH एंड LH को रिलीज करे। और FSH और LH जब ज़्यादा रिलीज होता है तो आपके बॉडी में ज़्यादा टेस्टोस्टेरोन का लेवल होता है। तो आप अपने मील्स में ज़्यादा से ज़्यादा जिंक को ऐड करिए। तो मेरा सेकेंड पॉइंट ये है कि ऐड एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर मील। प्रोटीन ही क्यों? आपका जो प्रोटीन होता है वो बहुत हेल्प करता है आपके टेस्टोस्टेरोन लेवल्स को मेंटेन करने में और उसको ग्रो करने में, मतलब बूस्ट अप करने में। तो आप आपके मील्स में थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन ऐड करिए हर एक मील में। वो कुछ भी हो सकता है, कोई भी डेयरी प्रोडक्ट, कोई भी पोल्ट्री, जैसे कि आप चिकन खा लिए या फिर फिश या फिर एग, कुछ भी आप ऐड करिए आपके मील पे। हर एक मील पे थोड़ा थोड़ा करके प्रोटीन ऐड करिए तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। देखेंगे आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छे से बूस्ट हो रहा है, आपको फील हो रहा है भीतर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आपका मसल्स बिल्ड हो रहा है, आपका मसल मास बढ़ रहा है, धीरे धीरे आपका मसल ग्रो हो रहा है। तो ऐड एम्पल अमाउंट ऑफ प्रोटीन इन योर मील्स। तो मेरा थर्ड पॉइंट ये है कि अगर आप फिश ले रहे हो, गो फॉर फैटी काइंड ऑफ फिश, मतलब सैलमन, ट्यूना। क्यों? फैटी काइंड ऑफ फिश ये है पर इसमें गुड फैट्स होता है और ये सब फिश में आपको ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन डी मिलता है। विटामिन डी का काम क्या है? विटामिन डी का काम है आपके बॉडी में नेचुरली टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करना। विटामिन डी आपके बॉडी में हार्मोन प्रोडक्शन को ज़्यादा बढ़ा देता है, वो उसको इंक्रीज कर देता है। तो अगर आप फिश ले रहे हो, गो फॉर फैटी काइंड ऑफ फिश। मेरा फोर्थ पॉइंट ये है कि ऐड मोर मैग्नीशियम इन योर डाइट। क्यों? अब जब प्रोटीन लेते हो वो डिजॉल्व होकर आपके ब्लड स्ट्रीम में चला जाता है। वो काम होता है उसका आपके मसल को बिल्ड करने के लिए, आपके बॉडी का अदर फंक्शंस को देखने के लिए। पर आपका बॉडी जब टेस्टोस्टेरोन बना रहता है, बनाता है, वो उस प्रोटीन को भी खींचता है वहाँ से। तो मैग्नीशियम क्या काम करता है? मैग्नीशियम एक ब्लॉक बन जाता है प्रोटीन और टेस्टोस्टेरोन के बीच में जाके, ताकि टेस्टोस्टेरोन मतलब अब जब टेस्टोस्टेरोन आपके बॉडी बना रहा है तो सारा का सारा प्रोटीन ना ले ले वो। तो आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन रहे टेस्टोस्टेरोन बनाने के समय, आपके ब्लड स्ट्रीम में रहे, ताकि आपका मसल बिल्डिंग में भी काम आए और बाकी कामों के लिए भी काम आए वो प्रोटीन आपके बॉडी में। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नीशियम ऐड करिए। जो नेचुरल सोर्सेस है मैग्नीशियम का वो है स्पिनच, नट्स, एलमंड्स, कैश्यूज। मेरा फिफ्थ पॉइंट ये है कि ऐड पोमग्रेनेट इन योर डाइट। पोमग्रेनेट का काम क्या है? दो काम, एक आपके ब्लड प्रेशर को लो करना और एक आपके कॉर्टिसल लेवल को लो करना। कॉर्टिसल लेवल मतलब आपका स्ट्रेस लेवल। आपका जब स्ट्रेस लेवल लो होता है तब आपके बॉडी में ज़्यादा से ज़्यादा सेक्स हार्मोन एंड टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। आपको पता है स्ट्रेस इज द बिगेस्ट एनिमी फॉर टेस्टोस्टेरोन। मतलब आपका अगर स्ट्रेस लेवल ज़्यादा होगा बॉडी में तो आपका टेस्टोस्टेरोन ग्रो भी ज़्यादा नहीं होगा, वो कम हो जाएगा, आपके मसल बिल्डिंग में प्रॉब्लम होगा। तो पोमग्रेनेट एक काम करता है आपके बॉडी में जाके आपका कॉर्टिसल लेवल को बहुत डाउन कर देता है, ताकि आपके बॉडी में सेक्स हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन का लेवल अप हो सके। तो ऐड पोमग्रेनेट इन योर डाइट। मेरा सिक्स्थ पॉइंट है डाइट डाउन। डाइट डाउन का मतलब क्या है? अगर आप एक गंदा डाइट ले रहे हो तो आपका बहुत चांसेस है
कि आप अपना इंसुलिन रेजिस्टेंस कर जाओगे। इंसुलिन रेजिस्टेंस होने पे क्या होता है, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत लो हो जाता है, जिससे आपका फैट सेल्स बढ़ जाता है, जो जिससे आप फैट दिखने लगोगे दिन प्रतिदिन, और आपका इंसुलिन आपका बॉडी अच्छे से यूज़ नहीं कर पाएगा। आपको ये साइकिल ब्रेक करना है। आप साइकिल को ब्रेक कैसे करोगे, आप साइकिल को ऐसे ब्रेक करोगे, आप जो ट्रांस फैट ले रहे थे, सैचुरेटेड फैट ले रहे थे, उसको आप चेंज करोगे हेल्दी फैट से। हेल्दी फैट का मतलब ऑलिव ऑयल से, आप जो अलग तेल यूज़ कर रहे थे उसको आप चेंज करोगे ऑलिव ऑयल से। आप एवोकाडो लोगे, आप नट्स लोगे, आप लीन मीट लोगे, लीन मीट मतलब लीन प्रोटीन लोगे, जैसे चिकन हो गया, मटन हो गया, ऐसे लीन मीट्स लोगे। आप होल ग्रेन लोगे, अब ज़्यादा से ज़्यादा वेजीज ऐड करोगे आपके मील पे, आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स ऐड करोगे, ऐसे आप अपना डाइट को चेंज करोगे। जो मेरा नेक्स्ट पॉइंट है वो आप किसी भी यूट्यूबर को बोलते हुए नहीं सुनोगे, क्योंकि ये बहुत ही रेयर पॉइंट है और ये सबको पता होता नहीं है। आपका जो लेफ्टओवर खाना होता है, जो आप रात को स्टोर करते हो या फिर दिन को जब स्टोर करते हो, फ्रिज पे रखते हो, वो आप रखोगे ग्लास पे। क्यों? प्लास्टिक पे रहता है एक BPA, बिसफेनॉल ए बोल के एक केमिकल रहता है, जो आपके हार्मोनल लेवल्स के साथ छेड़खानी करता है। एक रिसर्च में भी पाया गया है, 6 महीना 2 आदमी के ऊपर रिसर्च किया गया था। एक को बोला गया था कि आप खाना रखोगे प्लास्टिक पे, एक को बोला गया था आप खाना रखोगे ग्लास पे। तो जिसने प्लास्टिक पे खाना रखा था, उसका 6 महीने बाद हार्मोनल लेवल डिस्टर्ब हो गया था, उसका लेवल डाउन हो गया था। पर जिसने ग्लास पे खाना रखा था, ग्लास कंटेनर पे, उसका लेवल सेम था, पर उसका लेवल हाई भी हुआ, क्योंकि वो मैग्नीशियम और अच्छा डाइट भी ले रहा था, तो उसका लेवल थोड़ा हाई भी हुआ। पर जो प्लास्टिक पे रख रहा था, उसका लेवल लो हो गया था। तो आपका जो बचा हुआ खाना रहेगा, वो आप ग्लास यूटेंसिल्स पे रखोगे। मेरा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज क्या करोगे, आप जिम जाके वेट ट्रेनिंग करोगे, आप एक पर्सनल ट्रेनर हायर कर लीजिए जो आपको अच्छे से ट्रेन कर पाएगा, या फिर आप अच्छे से ऑनलाइन ट्रेनर हायर कर लीजिए जो आपका अच्छा ट्रेन कर पाएगा। आप अपने वेट्स उठाओगे, आप रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे। क्यों? आप जब रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करते हो, आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल बूस्ट होता है। कार्डियो का अलग बेनिफिट से अलग फंदा है, पर कार्डियो से आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल कभी भी इंक्रीज नहीं होगा। टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करने के लिए आपको वेट ट्रेनिंग ही करना पड़ेगा, आपको स्ट्रेंथ बढ़ाना पड़ेगा आपके मसल्स पे, आपके बॉडी पे आपको स्ट्रेंथ इंक्रीज करना पड़ेगा, तभी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होगा। तो आप जब जिम जाओगे, तब आप वेट ट्रेनिंग करोगे, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करोगे ज़्यादा, कार्डियो थोड़ा कम करोगे। मेरा लास्ट पॉइंट ये है कि गेट एनफ स्लीप। अब अपने स्लीप को मॉनिटर कीजिए। जब आप अच्छे स्लीप लेते हो रात को 7 से 9 घंटे का, तब आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज होता है। जब आप सोते हो, तब आपका बॉडी टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है, आपका बॉडी टेस्टोस्टेरोन इंक्रीज करता है। वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन मतलब आपका बॉडी टेस्टोस्टेरोन तैयार करता है। पर अब जब सुबह उठते हो बहुत कम नींद लेके, जैसे 5 घंटा 6 घंटा, तो आपका 15% तक टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है। तो गेट इनफ स्लीप, इससे आपको अच्छा टेस्टोस्टेरोन लेवल इंक्रीज करने में हेल्प मिलेगा। तो ये था कुछ पॉइंट्स जिससे आप नेचुरली आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम में फॉलो नहीं करते तो मैं यहाँ पे लिंक दे दूंगा, इंस्टाग्राम में मेरे को फॉलो कीजिए। अगर आपको मेरे से ऑनलाइन ट्रेनिंग लेना है तो इंस्टाग्राम में मेरे को DM कीजिए और चैनल को ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।